एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। यू आर वॉचिंग सोना लाइफ स्टाइल एंड आई एम रूजा। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों को किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपके बाल खुले रहें बट स्टिल उनमें भी डिफरेंट स्टाइल करना चाहते हो, बिकॉज क्योंकि आप बालों को खुला रख कर बोर हो चुके हो, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो आज मैं बहुत ही ईजी एंड बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स बताऊँगी जिससे आप सुपर कूल दिख सकते हो। दिस इज द फर्स्ट हेयर स्टाइल। इसके लिए हमें रिंग लेनी है। रिंग आप किसी भी रिंग को ले सकते हो, बट मैंने सिंपल रिंग ली है बिकॉज स्टोन वाली अच्छी नहीं लगेगी। एंड हमें अपने बालों के थोड़े से सेक्शन को लेना है, लाइक अपर सेक्शन को पहले लेंगे साइड के, एंड उसमें उसे थोड़ा रोल करेंगे। रोल करने के बाद उसमें रिंग को डालेंगे एंड रिंग डालकर टिक टैक पिन से उसे पिन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ बॉबी पिन, बट उससे बाल थोड़े फंस जाते हैं, इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रही थी, मैं अवॉइड कर रही थी। बट फॉर लॉन्गर रिजल्ट और फिर लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर आपको चाहिए तो आई विल सजेस्ट कि आप बॉबी पिन ही यूज़ करो। अगर मैं भी बाहर जाती हूँ तो मैं बॉबी पिन यूज़ करती हूँ, बट मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्टाइल्स करने थे इसलिए मैंने टिक टैक पिन ही यूज़ किया। सो जब फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम नीचे के कुछ बालों को फिर से लेंगे एंड उसमें भी रिंग डालेंगे एंड सेम प्रोसेस करेंगे, उसे रोल करेंगे। रोल करने के बाद टिक टैक पिन से उसे पिन अप कर लेंगे। एंड हाउ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर इसे लाइक करेंगे। मैंने बहुत मेहनत की है, सो आई होप कि ये आपको पसंद आएगी। यू कैन सी काफ़ी अच्छे से ये पिनअप हो गया एंड बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे, एंड वेस्टर्न पे तो बहुत ही अच्छा लगता है, यू कैन क्लियरली सी। और आप थोड़ी थिक रिंग भी यूज़ कर सकते हो और अच्छा लुक आएगा। सो फॉर नेक्स्ट हेयर स्टाइल हमें अपने बालों का थोड़ा सा सेक्शन लेना है। अगर आप लेफ्ट साइड बाल करते हो तो उस साइड का सेक्शन ले सकते हो, और अगर राइट करते हो तो उधर का भी सेक्शन ले सकते हो। जिस साइड आप कंफर्टेबल हो उधर का ही सेक्शन लेना। एंड बहुत ही कम बालों को आपको रोल करके पीछे पिन लगा देनी है, एंड बिल्कुल हेड बैंड टाइप का लुक आता है और बहुत ही प्यारा लगता है ये, आप देखोगे। एंड अगेन मैंने उसे फिर से टिक टैक पिन से पिन अप कर लिया है, एंड यू कैन सी द लुक कितना प्यारा लग रहा है। सो आई रियली लाइक दिस हेयर स्टाइल एंड दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है और टाइम टेकिंग भी नहीं है और अच्छा लुक आता है। सो मैं इसे भी मोस्टली ट्राई करती हूँ हमेशा। सो फॉर द नेक्स्ट हेयर स्टाइल आपको मिड पार्टीशन करनी है। मिड पार्टीशन करने के बाद एक साइड के बालों को लेना है एंड स्मॉल बन बनाना है, और फिर अगेन उसे आपको या तो आप उसे रबर से बना सकते हो या फिर आप पिन से भी उसे बना सकते हो। अगर आप रबर यूज़ करोगे तो रबर इस तरह से यूज़ करना है कि रबर हाइड हो जाए एंड आपके बाल उसके ऊपर रोल हो जाए, एंड देन आप पिन से उसे क्लच कर सकते हो। सो वैसे ही आपको फिर नेक्स्ट साइड के भी बन को बनाना है। यू कैन सी मैंने जिस तरह से बनाया है, थोड़ी हाइट पे होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड पिक्चर्स इस बन में काफ़ी अच्छी आती है। एंड देन आपको नेक्स्ट साइड के हेयर्स को लेना है एंड सेम प्रोसेस से आपको बन बनाना है। एंड द लुक इज़ रेडी, यू कैन सी दिस। एंड इसके बाद मेरे जो आगे में कुछ बेबी हेयर्स थे मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा आगे निकाल लिया है जिससे थोड़ा मैसी लुक भी आए, एंड मुझे ऑनेस्टली ये थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसे निकाल लेती हूँ। एंड आगे आपकी मर्जी है। सो यू कैन सी काफ़ी प्यारा लुक आ रहा है, चाइल्डिश लुक आता है ये वाला बन बनाने के बाद। सो ये भी मेरा फेवरेट है, आई होप आपको भी पसंद आया होगा।
नेक्स्ट हेयर स्टाइल करने के लिए हमें बालों को साइड पार्टीशन करना है एंड क्लियरली आप कोम से या फिर अपने हाथों से साइड पार्टीशन कर सकते हो एंड देन उसके बाद हमें ब्रेड बनानी है। ब्रेड बनाने के लिए बहुत ही थोड़े से बालों का मतलब सेक्शन लेना है आगे से ताकि पतली ब्रेड बन जाए, ज़्यादा मोटी ब्रेड्स नहीं बनानी। यस यू कैन सी। एंड फिर नीचे में हमें इसे रबर बैंड से सिक्योर करना है। नाइलोन रबर बैंड जो होता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, सो वो थोड़ा इनविजिबल होता है, वो ज़्यादा बेटर होगा। यू कैन सी, आप चाहो तो बाल को इस तरह से खुला छोड़ सकते हो, तो ये आपकी स्टाइलिंग हो गई कि ये भी काफ़ी अच्छा लगता है एंड बाल सिक्योर्ड लगते हैं। एंड अगर आप चाहो तो आप दोनों साइड भी ब्रेड्स बना सकते हो, दोनों साइड वाली ब्रेड्स भी अच्छी लगती है। सो यू कैन सी दिस ऑल्सो, आपको जो अच्छी लगे यू कैन ट्राई। सो ये बहुत सारी स्टाइलिंग हो गई, कभी आप दोनों साइड बना के जा सकते हो, कभी आप लेफ्ट साइड बना सकते हो एंड किसी दिन आप राइट साइड बना सकते हो। देन अगेन हमें इस साइड भी पतली ब्रेड बनानी है एंड देन लास्ट में हम उसे रबर बैंड से सिक्योर करना है। द लुक इज रेडी एंड आप बालों को आगे पीछे करके रख सकते हो। सो दिस विल लुक वेरी प्रिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लुक। एंड आगे से बाल मुंह पर भी नहीं गिरते, आगे के बाल सिक्योर हो जाते हैं एंड एक तरीके से खुले बालों वाला स्टाइल भी रह गया एंड बाल भी सिक्योर हो गए। यू कैन सी कि अगर हम वन साइड की ब्रेड हटा दें, सो वन साइडेड ब्रेड कैसी लगती है, इस साइड की ब्रेड काफ़ी प्यारी लगती है। एंड अगेन अगर हम चाहें तो इस ब्रेड से और भी डिज़ाइन हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं, लाइक आप इस ब्रेड को पीछे ले जा कर के टक कर सकते हो किसी क्लचर से एंड नेक्स्ट साइड वाले आप हेयर्स को भी ले जाओगे, ले जा कर के क्लचर से दो साइड के बालों को लगा दो एंड आगे के कुछ बालों को छोड़ दो, जिससे थोड़ा स्लीक एंड सोफिस्टिकेटेड लुक आए। सो अब जो आगे के बचे हुए कुछ बाल हैं उन्हें पीछे ले जा कर के क्लिप लगा देनी है तो अच्छा लुक आता है। यस एंड जो बेबी हेयर्स हैं आप उन्हें निकाल भी सकते हो और चाहो तो आप उससे पिन से टक भी कर सकते हो। इस हेयर स्टाइल में हमें अपने आगे के कुछ बालों को ऊपर की तरफ ले जाना है, बट हमें ये बात का ध्यान रखना है कि आगे के कुछ ही बालों को ले जाना है, लाइक हम अपने ईयर्स के पास के बालों को नहीं ले जाएंगे। अगर वो ले जाते हैं तो बहुत ही फ्लैट लुक आता है, वो अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से हम पफ बनाते हैं उसी तरीके से उतने ही बालों को लेकर के जाना है एंड देन उसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। रबर बैंड लगाने के बाद जो बचे हुए बाल हैं उसे रबर बैंड के चारों तरफ रोल करना है एंड देन अगेन पिन से उसे सिक्योर कर लेना। बाय द वे इन दिस हेयर स्टाइल वी आर ट्राइंग टू मेक अ क्यूट हेयर बन, हाफ हेयर बन, सो ये भी समर में काफ़ी अच्छा लुक देता है एंड बहुत ही क्यूट लगता है।
सो नेक्स्ट लुक के लिए हमें अपने ये जो नीचे के कुछ बाल बचे हुए हैं उन्हीं बालों को लेना है एंड जो मैंने ऊपर में बन बनाया था उसी बन में हमें उसे रोल कर लेना है, जिससे हमारे बन को एक हाइट मिलेगी, तो ऐसे हमारा बन ऊपर रहेगा। वरना ऐसा होता है कि हम बन बनाते हैं एंड कुछ टाइम के बाद वो नीचे धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। सो इस तरह से ये ऊपर रहेगा एंड यू कैन सी द लुक। एंड देन अगेन आगे के जो बेबी हेयर्स हैं मैंने उन्हें आगे निकाल लिया है बिकॉज वो मुझे क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं। एंड जो आप थोड़ा मैसी लुक पसंद करते हो तो आप कर सकते हो, एंड अगर आपके साइड के कुछ बाल निकल रहे हो तो आप उन्हें पिन से सही कर सकते हो। नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए आपको मिड पार्टीशन करनी है एंड मिड पार्टीशन करने के बाद आपने हमेशा देखा होगा कि आगे से एकदम बिल्कुल स्लीक लुक आता है, काफ़ी अच्छे से हेयर स्टाइल्ड हो जाते हैं। बट हम जब भी मिड पार्टीशन करते हैं तो आगे से बालों में थोड़ी बाउंस आ जाती है एंड उतना अच्छा नहीं लुक आता है। सो इसलिए आपको क्या करना है कि बाल के आगे के जो थोड़े से सेक्शन हैं उन्हें लेना है एंड उसे लेने के बाद आपको पीछे की तरफ लेके जाना है एंड देन उसे टिक टैक पिन से आपको सिक्योर करना है। सो जनरली मिड पार्टीशंस में आगे के बाल मुंह पे बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो लोग उतना पसंद नहीं करते, बट आप इस तरह से सिक्योर करके आप इस तरह की स्टाइलिंग कर सकते हो, अच्छा लगेगा एंड एथनिक व्यूअर्स पे काफ़ी प्यारा लुक आता है। सो आई होप कि आपको मेरे सारे स्टाइल्स पसंद आए हों एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आप मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पा सकें। थैंक यू।